दोस्तों मेरे एक सब्सक्राइबर ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि कैसे रखा जाता है ट्रेनों का नाम और ये राजधानी शताब्दी वैशाली इन सब ट्रेनों का नाम यही क्यों रखा गया। तो आइए जानते हैं छोटी सी वीडियो में ये पांच तरीका और लास्ट वाले तरीका को जानकर आप भी खुश हो जाएंगे। नंबर एक, नॉर्मली आपने बहुत से ट्रेनों का नाम देखा होगा जो की ट्रेन खुलने से बंद होने के बीच के स्टेशनों के नाम पर रख दिया जाता है, जैसे की कोटा पटना एक्सप्रेस जो की कोटा से पटना के बीच चलाई जाती है। नंबर दो, इंडियन रेलवे में जब भी कोई नई ट्रेन को लॉन्च किया जाता है तो उस खास लोकेशन पर स्थित उस जगह का नाम भी रख दिया जाता है, वैशाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस। इस ट्रेन का नाम बिहार के वैशाली में स्थित बौद्ध तीर्थ पर रखा गया था। नंबर तीन, राजधानी एक्सप्रेस। राजधानी ट्रेन का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि यह ट्रेन देश के अलग अलग राज्य के राजधानियों को जोड़ती है। नंबर चार, शताब्दी एक्सप्रेस। शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि यह जवाहरलाल नेहरू के 100वें जन्मदिन पर चलाया गया था। नंबर पाँच, जब भी कोई त्यौहार को लेकर स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है उसका नाम उसी त्यौहार के नाम पर रख दिया जाता है। दोस्तों आप कौन से ट्रेन में ज्यादा सफर करते हैं उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना।